नमस्कार, इजी खाना बनाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ दाल मखनी की एक बढ़िया सी रेसिपी। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल होटल जैसी दाल बनेगी। ये मैंने सेम क्वांटिटी में ली है साबुत उड़द और ये है छोटा राजमा। मैंने सेम दोनों को बराबर मात्रा में लिया। ये देखिए, मैंने अच्छे से धो लिया इसको। अब मैं डाल रही हूँ इसको कुकर में। ये देखिए, इसको अच्छे से वॉश कर लें। तो अगर मेरी रेसिपीज प्लीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, लाइक करें। ये मैंने लिए हैं आधा किलो के आसपास टमाटर, 5 बड़े टमाटर हैं ये, 2 हैं प्याज, अदरक और हरी मिर्च। हमें अलग से कोई भी टमाटर का छौंका बनाने की या तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ऊपर से एक हल्का सा तड़का लगाएंगे हम दाल में। ये देखिए, बस दाल एक ही बार में हमारी, हम विसल दे के एक ही बार में दाल हमारी तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल होटल जैसी दाल बनती है। आप एक बार सेम इसी उससे टिप्स के साथ ना इस दाल को बना के ज़रूर देखें। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए, टमाटर मैं सारे रफली काट लेती हूँ क्योंकि हमने इनको पीसना ही है। ये देखिए, अदरक का मैं ले रही हूँ 1 इंच का टुकड़ा, मैं बस इसी में पीस देती हूँ अदरक भी। ये देखिए, हरी मिर्ची ली मैंने 6-7। ये टमाटर मोटे मोटे थे तो मैंने काफ़ी, 5-6 टमाटर थे ये, तो फिर आधा किलो के आसपास ही टमाटर होंगे। तो टमाटर आप अपने हिसाब से ले लें अगर आप कम खट्टा खाते हैं तो। ये देखिए, लेकिन इसका मसाला बिल्कुल परफेक्टली बनेगा। ये देखिए, ये दाल में मैंने, ये देखिए मसाला पीस लिया। मैं डाल रही हूँ इसमें कुकर में ही जो हमने दाल डाली थी ना, अभी हमने इसको गैस पे नहीं रखा। ये देखिए, अभी नीचे ही है। अच्छा, पानी इसमें इतना डालने कि इसमें हमें 6 से 7 विसल देनी है, तो ये दाल नीचे से लगे ना, पानी कम ना रहे, तो पानी उसी हिसाब से डाल लें आप। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के नमक के, क्योंकि हमने 2 गिलास के 2 कप के आसपास डाल लिया। ये देखिए, मैं आधा चम्मच लिया मैंने हल्दी। ये देखिए, बस अब मैं इसको कुकर बंद कर देती हूँ। इसको हम रख देते हैं आँच पे। इसमें हमें 6 से 7 विसल देनी ही देनी है। ये देखिए, बहुत हाई पे मत करें नहीं तो फिर ऊपर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये थोड़ा मीडियम आंच पे रखी है मैंने। तब तक मैं चावल भिगो लेती हूँ। देखिए, चावल मैंने धो के भिगो रही हूँ मैं। अच्छा, बिना भिगोए कभी भी चावल ना बनाएं, नहीं तो चावल फूलते भी नहीं हैं और अच्छे नहीं बनते हैं। ये देखिए, मैं चावल भिगो दिए मैंने, दाल मैंने कुकर खोला है। ये देखिए, गल गए हमारे राजमा भी और दाल भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। देखिए, अब इसमें पानी कम है तो मैं गर्म पानी डाल रही हूँ उसमें। इसको हम धीमी आंच पे ही धीरे धीरे पकाते रहेंगे 7-8 मिनट। इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ ढक के। ये देखिए, 6-7 मिनट के बाद ये थोड़ी और अच्छे से गाढ़ी सी होगी। अब इसी स्टेज पे हम, ये घर की मलाई है, ये देखिए मैं 1 कड़छी भर के मलाई डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच भर के। ये घर की मलाई है, कोई बाहर से क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं आपको। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें, बिल्कुल होटल जैसी, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हो। ये देखिए, बस इसको थोड़ा और अच्छे से रिझने के लिए छोड़ते हैं हम 5 से 7 मिनट। कितनी बढ़िया हो गई है। ये थोड़ी आंच मैंने तेज कर दी है। ये देखिए, दाल देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अब अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट इसको और रख दीजिए। ये देखिए, अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। मैं ले रही हूँ तड़के के लिए एक पैन। इसमें मैं ले रही हूँ देसी घी। आप इसमें बटर में भी लगा सकते हैं या इसको रिफाइंड में भी लगा सकते हैं छौंका। मैं देसी घी में लगा रही हूँ। 2 बड़े चम्मच लिए मैंने देसी घी के। आज मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ क्योंकि एकदम से पैन हमारा जल जाएगा। ये मैं ले रही हूँ 2 से 3 लाल साबुत मिर्च। ये सूखी मिर्च है। देखिए, मैं डाल रही हूँ जीरा। आज मैंने बिल्कुल स्लो पे कर दी थी क्योंकि पैन एकदम से जलने लग जाता है। ये मैं ले रही हूँ 1/4 हींग पाउडर। हींग का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस दाल में। वैसे दाल में आप हर दाल में हींग जरूर डालें। ये देखिए, मैं आँच थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ क्योंकि जीरा हमारा हुआ नहीं है अभी, पैन थोड़ा ठंडा पड़ गया हमारा। ये देखिए, जीरा हमारा क्रैकल करने लग जाएगा। ये देखिए, जीरा और मिर्च हमारी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, अच्छे से हो गया हमारा। ये मैं ले रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच और ये मखनी, दाल मखनी मसाला आता है ना, किसी भी ब्रांड का ले लें वो 1 चम्मच। 1 चम्मच भर के मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर।
बस इसमें तीन ही चीज़ें डाली हैं मैंने, सिर्फ दाल मखनी मसाला, गरम मसाला और मिर्ची। ये देखिए मैं डाल देती हूँ छौंका दाल में। अब छौंका लगाने के बाद भी 5 मिनट के लिए इसको सिम पे रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। वैसे बहुत ही जल्दी बन जाती है यह दाल ना। अब बिल्कुल आपके एक बार बना के ज़रूर देखिए, बिल्कुल होटल जैसी दाल बनेगी ये। ये देखिए दाल हो गई हमारी कंप्लीट। मैंने चावल के पानी चढ़ाया हुआ था, पानी उबल गया। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। ये देखिए मैं डाल रही हूँ चावल, जो हमने चावल भिगोए थे। ये देखिए चावल हमारे उबल रहे हैं, चावल आधा पक गए हैं हमारे इस टाइम पे। तो मैं ले रही हूँ 1/2 नींबू। ये नींबू डालने से चावल खिले खिले बनेंगे, चावल बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। ये देखिए चावल चिपकेंगे नहीं, चावल देखिए कितने बढ़िया बन गए हमारे, ये अच्छे से उबल गए, मैंने इनको छान लिया। ये देखिए प्लेटिंग हमारी कितनी बढ़िया। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।